हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मोनिकाज़ फ्रूटफुल केयर। कैसे हैं आप? आई होप आप सब ठीक होंगे और आप अपना पूरी तरह से बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। तो जो लोग फर्स्ट टाइम मेरी वीडियोस को देख रहे हैं, मैं मोनिका अपने चैनल मोनिकाज़ फ्रूटफुल केयर में आप लोगों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। मैं यहाँ पर वीक में 3 बार रेमेडीज़ को शेयर करती हूँ और वो जो रेमेडीज़ होती हैं वो हेयर केयर से रिलेटेड होती हैं और स्किन केयर से रिलेटेड होती हैं। वीक के जो 3 दिन हैं वो ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे हैं। कोशिश यही होती है कि बहुत अच्छे से आपके साथ आपकी ज़रूरत के हिसाब से रेमेडीज़ को शेयर किया जाए और अच्छे से अच्छी रेमेडीज़ को शेयर करने का प्रयास करती हूँ। तो बहुत से मेरे सब्सक्राइबर्स इस चीज़ से बहुत खुश होते हैं जब मैं, जो मेरे ऑलरेडी सब्सक्राइबर्स हैं, कि जब मैं उनके साथ ऐसी रेमेडीज शेयर करती हूँ और जब उनको उनके मनपसंद रिजल्ट्स भी मिलते हैं। थैंक यू सो वेरी मच। लेकिन एक बात मैं यहाँ पे और भी कहना चाहूँगी, जो ऑलरेडी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, प्लीज़ कमेंट्स के थ्रू आप और फीडबैक दीजिए। अगर आप फीडबैक देंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ये आपको बहुत थोड़ा सा टाइम लगता है आपको कमेंट करने के लिए, तो लेकिन उसका जो रिज़ल्ट होता है बहुत बढ़िया होता है। मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है आप लोगों के लिए और अच्छे से अच्छी रेमेडीज़ को बनाने के लिए। तो बस इतनी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ कमेंट के थ्रू अपना फीडबैक ज़रूर दें। तो चलिए, आज की जो रेमेडी है वो एक हेयर मास्क है। ये जो इस समय जो मौसम चल रहा है, क्योंकि रेनी सीज़न है, मॉनसून है, सबसे ज़्यादा जो परेशानी इस समय हो रही है सबको वो यही है कि बाल बहुत झड़ रहे हैं। मैंने ऑलरेडी यहाँ पर मानसून से रिलेटेड आपके साथ वीडियो जो है वो शेयर की हुई है। अगर आप चाहते हैं, उसमें मैंने आपके साथ रेमेडीज़ और साथ ही टिप्स भी शेयर किए हुए हैं किस तरह से आप मानसून में अपने बालों की केयर कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, बहुत काम की है। उसका लिंक जो है वो आई बटन में भी डाल दूँगी, तो ज़रूर देखिएगा उसको। तो आज की जो रेमेडी है वो एक हेयर मास्क है। देखिए, इन दिनों में जो बाल झड़ना एक बहुत आम सी चीज़ है, कोई ऐसा नहीं है कि एक दो लोगों के बाल झड़ते हैं। आप जिससे भी पूछोगे तो सबके ही ऑलमोस्ट बाल झड़ रहे होते हैं, तो ये भी बालों का एक साइकिल आता है। तो आप निश्चिंत हो जाइए कि सिर्फ आपके ही बाल झड़ रहे हैं, इस समय सबका ही यही हाल है, जिनमें मैं भी हूँ और बहुत सारे मेरे जितने भी नॉन हैं सबके साथ यही होता है। आप भी किसी से पूछिए, उनके साथ भी यही हो रहा होगा। बहुत रेयर लोग होते हैं जिनके कि बाल नहीं झड़ते हैं। तो चलिए, अब यहाँ पे आपको एक तो अपनी डाइट पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इन दिनों में आपको ज़्यादा फ्राइड फूड नहीं खाना चाहिए, ज़्यादा हैवी खाना नहीं खाना चाहिए। जितना हो सके लाइट फूड रखिए, अपना फ्रेश फूड खाइए, क्योंकि फ्रेश फूड जो होता है वो भी आपकी बॉडी के ऊपर बहुत बहुत असर करता है। एक्सरसाइज़, क्योंकि जिनके बाल झड़ते हैं तो उनको बालों की एक्सरसाइज करनी बहुत ज़रूरी है। बालों की एक्सरसाइज होती है क्या? जी हाँ, बालों की एक्सरसाइज होती है। बहुत सिंपल सी है कि आपको दिन में एक बार अपने बालों को, सारे बालों को आगे लाके अपने बालों को कॉम करना है। तो ये जो है बालों की बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है। इसको जब आप करते हैं तो आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है, जब आप सिर को उल्टा करके कॉम करते हैं तो आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है सिर की तरफ अच्छे से होता है, आपके पूरे स्कैल्प पे अच्छे से होता है, जिससे कि आपके बाल जो हैं खूब अच्छे बनते हैं। अब इसको किस तरह से करना है, सबसे पहले तो आप अपने बालों को सुलझा लीजिए। जब आप इसी तरह से इसी पोजीशन में इनको सुलझा लीजिए, देन अपने बालों को आगे की तरफ पलट लीजिए और उसके बाद अपने कॉम कीजिए। तो पहले जब आप बालों को उल्टा करते हैं तो सबसे पहले कॉम आप यूज़ करेंगे, जो आप डिटेंगल के लिए कॉम यूज़ करते हैं, जिसके कि जो दांत होते हैं, मीन्स जो उसके जो जिस पे हम कॉम करते हैं वो थोड़े से लूज़ होते हैं, तो जो बालों को डिटेंगल करने के लिए कॉम आती है उससे कीजिए। देन आप वुडन की कॉम से बालों को अच्छे से कॉम कीजिए। ये कम से कम आप 50 टाइम अपने स्कैल्प पे चलाइए। 50-100 टाइम अगर आप इसको करते हैं आपके बाल बहुत बेहतर होते हैं। इसके अलावा आप बालों को मसाज कीजिए, डेली मसाज ज़रूरी है। अब ये मसाज कैसे होगी, वो भी आप जो है ड्राई स्कैल्प ही कीजिए। अब जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि मेरा इस समय ड्राई स्कैल्प है, तो मुझे यहाँ से देखिए आप फिंगर टिप्स को यूज़ करेंगे। मैंने ऑलरेडी इस पे वीडियो डाली हुई है, तो आप सिर्फ टिप को यूज़ करेंगे, तो ये आप एक मसाजर की तरह अपने
आप एक शिकंजा सा बना लीजिए हाथों का, मसाज करते जाएंगे दोनों हाथों से। अगर आप इस तरह से मसाज करते हैं तो इसको कम से कम 5 मिनट भी करते हैं तो ये आपके ब्लड सर्कुलेशन को और अच्छे से इम्प्रूव करेगी। आप इस डर से कॉम नहीं करते हैं कई लोग कि नहीं मैं अगर कॉम करूँगी तो बाल और ज़्यादा झड़ेंगे, तो ये आप अपने बालों के साथ साथी कर रहे हैं, तो ये मत कीजिए। आप जो हैं बालों को अच्छे से कॉम कीजिए क्योंकि इससे ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होता है, तो ये भी बालों की एक्सरसाइज होती है, तो ये ज़रूर करनी है। और अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा झड़ते हैं आपको एक्सरसाइज करनी है जो कि आपके ब्लड सर्कुलेशन को जो स्कैल्प की तरफ है इम्प्रूव करे, उसके लिए माउंटेन पोज बहुत ही अच्छा है। इसके अलावा जो है आप और बहुत सारे ऐसे आसन हैं जो आप कर सकते हैं। कुछ नहीं तो बालाभ्याम कीजिए, इसको कहते हैं जो रामदेव जी भी बताते हैं, स्वामी रामदेव जी। तो अपने नेल्स को अच्छे से रब कीजिए, तो यहाँ पे जब आप इसको रब करते हैं इससे भी जो है बालों को एक अच्छा डाइट मिलता है, ये बालों के लिए अच्छा होता है। तो जिस तरह से हम प्राण शक्ति को बढ़ाने के लिए प्राणायाम करते हैं, इसी तरह से बालों की शक्ति को बढ़ाने के लिए बालाभ्याम कीजिए। तो बालाभ्याम ये वाला कोम वाला और कुछ एक एक्सरसाइजेस आप नेट पे चेक कर सकते हैं बालों के लिए कौन सी अच्छी होती हैं वो कीजिए। ये करते हैं और उसके बाद जो मास्क मैं आपको बताने वाली हूँ वो करते हैं, तो बाल जो हैं डेफिनेटली आपके अच्छे होने वाले हैं, बाल झड़ना भी कम हो जाएंगे और बालों की ग्रोथ आगे से और बेहतर होगी, बालों की क्वालिटी इम्प्रूव होगी। वीक में कम से कम 1 से 2 बार जो है अच्छे से बालों को ऑयल मसाज ज़रूर कीजिए और एक मास्क ज़रूर लगाइए वीक में, स्पेशली इन दिनों में। देखिए आगे जैसे जैसे विंटर्स आ जाते हैं तो फिर मास्क लगाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो कोशिश कीजिए जितना हो सके अच्छी सी डाइट इन दिनों में बालों को दे दीजिए। अब ये जो मास्क है ये हर तरह से आपके बालों के लिए बहुत बेहतर है। देखिए इसमें मैंने एग डाला है, तो जो लोग एग नहीं डालना चाहते हैं वो इसको स्किप कर सकते हैं, बाकी जो सामान है उसके साथ भी ये मास्क उतना ही रिजल्ट देने वाला है। तो चलिए मास्क बताती हूँ कैसे बनाना है। आपके बाल झड़ना बंद, आपके बाल बहुत अच्छे से ग्रोथ होगी, इसकी बालों की जो क्वालिटी है वो इम्प्रूव होने वाली है, शाइन बढ़ने वाली है, बस आपके मज़े आने वाले हैं। लेकिन आपको जो है बहुत पॉजिटिविटी के साथ अच्छे माइंडसेट के साथ आपको इस मास्क को लगाना है। जब आप कोई भी चीज़ इवन कि पानी भी लगा लेते हैं बालों पे अच्छी सोच के साथ वो भी अच्छे से वर्क करता है, तो थॉट्स पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है। तो मास्क बनाने के लिए मैंने यहाँ पे फ्रेश एलोवेरा ली है, आप फ्रेश एलोवेरा ले लीजिए और इससे आप जो है पल्प निकाल लीजिए। एलोवेरा जो है वो अपने बालों की लेंथ के हिसाब से आप कम या ज़्यादा ले सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने अपने बालों के हिसाब से इतनी एलोवेरा ली है और उसके अंदर मैं फ्लैक्स सीड्स जेल डाल रही हूँ। जो लोग पहले वीडियोज़ देखते हैं उनको पता है कि ये जेल जो है मैंने पहले आपके साथ शेयर की थी, ये उसी में से बची हुई है जो मैं इसमें डाल रही हूँ, जिसमें कि नीम की पूरी प्रॉपर्टीज़ है, मतलब मैंने नीम वाटर को यूज़ करके फ्लैक्स सीड्स को बनाया हुआ है। तो जो लोग नहीं जानते कि नीम की जेल कैसे बनानी है तो वो लोग इस वीडियो को देख सकते हैं जो कि मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पर अपलोड की हुई है, तो इसका जो लिंक है वो मैं आई बटन में डाल दूँगी, आप देख लीजिएगा। जेल डालने के बाद क्योंकि मैंने फ्लैक्स सीड जेल डाल दी है और अब जिनको एग डालना है वो एग डाल सकते हैं, लेकिन जो एग नहीं डालना चाहते वो एग ना डालें, टोटली ऑप्शनल है ये, आप डाल भी सकते हैं अगर डालना चाहें, तो नहीं डालना चाहते तब भी आप इसको स्किप कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक एग डाला है, आपके बाल लंबे हैं तो 2 डाल लीजिए। जो है मैंने इसके अंदर हनी डाला है, हनी 1 to 2 स्पून के करीब डलेगा, मेरी लेंथ के हिसाब से मेरी मीडियम लेंथ है तो मैंने इसमें सिर्फ 1 टेबल स्पून ही डाला है, आप इस पर 1 से लेके 1.5 तक डाल सकते हैं। तो बस इसको मैंने जो है सब इंग्रेडिएंट्स को मिक्सर जार में डाल के ब्लेंड कर लिया अच्छे से। देखिए यहाँ पे मुझे थोड़ी दिक्कत हुई थी तो मैंने आपके साथ ये शेयर नहीं किया, थोड़ा सा लगाने के बाद एक्चुअली ये बहुत ही पतला बन गया था, अब जब मैंने इसको हाथ से लगाने की कोशिश की तो ये नहीं लग पा रहा था, तो या तो आप इसको कॉटन की हेल्प से इसको लगा लीजिए
पूरे पहले कॉटन में डिप कर करके पार्टीशन करके अच्छे से लगा लीजिए, एंड देन कॉटन से ही अपने बालों पे भी लगा लीजिए। नहीं तो सेकंड ऑप्शन ये है, जो सॉस की बॉटल्स आती हैं जिसके आगे वो पॉइंटेड सा बना होता है बाहर निकालने के लिए, तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं, उसमें उसको फिल कीजिए, देन पार्टीशन करके आप उसके साथ इसको डालते जाइए, तो ये इजली आपके बालों पे लग जाएगा। हाथों से ये नहीं लग पाता क्योंकि ये थोड़ा सा लिक्विडी फॉर्म में ज़्यादा रहता है, तो इस वजह से ये हाथों से लगाना थोड़ा मुश्किल होता है, गिरता ज़्यादा है लगता कम है। तो बस इस तरह से आप लगाइए, और आपको पूरे पूरे अच्छे से अपने बालों पे लगाना है, स्कैल्प से लेके बालों की लेंथ कवर करते हुए एंड तक बालों के लगना चाहिए। ये लगाने के बाद बालों को अच्छे से बांध दीजिए और एक घंटे तक कम से कम इसको लगा रहने दीजिए। एक घंटे के बाद आप शैम्पू कर लीजिए और बिल्कुल पतले वाले टॉवल से अपने बालों को हल्का सा पोंछते हुए छोड़ दीजिए। आप इसको ज़्यादा जद्दोजहद मत कीजिए टॉवल के साथ, या रगड़ने में ज़्यादा मत कीजिए, बस इसको हल्का सा आप थोड़ी देर के लिए बालों को जो है आप अपने टॉवल में रैप कीजिए। मैंने पहले भी बताया था, बिल्कुल हल्का टॉवल मींस जो कॉटन के टॉवल आते हैं, या बिल्कुल जो लाइट वेट के हों, माइक्रोफाइबर के हों, तो वेल एंड गुड। तो इन्हीं टॉवल्स को यूज़ कीजिए, ज़्यादा हैवी वाला टॉवल मत लीजिएगा, क्योंकि पहले बाल झड़ रहे हैं इट मीन्स कि रूट्स वीक हैं, तो ये जब आप और उन पर लोड डालेंगे तो बाल आपके और झड़ने वाले हैं। तो बिल्कुल पतले वाला टॉवल यूज़ कीजिए, या फिर टी शर्ट के अंदर ही बालों को डालिए, थोड़ी देर के लिए उसको बांध लीजिए। जब आपको लगे कि ये ड्रिप होना बंद हो गया है पानी, तो बस आप इसको ऐसे ही खुला छोड़ दीजिए, हल्के हल्के हाथ से सीधा कर लीजिए। बालों के साथ जब तक गीले हैं, कोई कसरत नहीं करनी है आपके हाथों को, तो बस इनको थोड़ा कंट्रोल रखिए। सूखने के बाद आप कॉम कीजिए बालों पे, लेकिन गीले बालों पे इन दिनों में तो बिल्कुल भी कॉम मत कीजिए, वैसे भी नहीं करनी चाहिए। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे बहुत ही जल्दी आपके जो बाल हैं बहुत कम झड़ेंगे। थोड़ा बहुत बाल झड़ना नॉर्मल होता है, तो इतनी टेंशन नहीं लेनी है आप लोगों को। जब आप ये मास्क लगा लेंगे और उसके बाद जो है जब शैम्पू कर लेंगे, बाल जो हैं आपके आप खुद बताइए कैसे लग रहे हैं। मैं कहूँ धूप में खड़े होके मैं आपको अपनी वीडियोस दिखाऊं, या फिर मैं आपके बालों की क्वालिटी दिखाऊं, आप खुद एक्सपीरियंस कीजिए और मुझे बताइए, क्योंकि मेरा दिखाना और आपका खुद का एक्सपीरियंस दोनों अलग चीज़ें हैं। तो आप एक्सपीरियंस कीजिए और मेरे साथ अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर कीजिए, कैसा लगा ये आपको मास्क। आई होप आप लोगों को ज़रूर ज़रूर ये पसंद आया होगा। तो चलिए मिलते हैं नई रेमेडी के साथ जल्दी ही। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।